नमस्कार दोस्तों, सीके पीसीआई टेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम फिटर थ्योरी पार्ट 12 तथा लेसन 4 मार्किंग और लेआउट के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे बेवल एंड यूनिवर्सल बेवल गेज। तो बेवल एंड यूनिवर्सल बेवल गेज क्या होता है दोस्तों, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बेवल और यूनिवर्सल बेवल गेज के बारे में जानते हैं। ठीक है, यह अप्रत्यक्ष कोण मापी यंत्र है। क्या है दोस्तों, यह अप्रत्यक्ष कोण मापी यंत्र। ठीक है, यह इसके दो भाग होते हैं, एक ब्लेड होता है एक स्टाक होता है। इसे सेट करने के लिए प्रोटेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। इसे बेवल गेज के नाम से भी जाना जाता है। यह बेवल गेज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेवल गेज। तो पहला जो होता है बेवल गेज, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर का पहला बेवल गेज। तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे दोस्तों बेवल गेज के बारे में, तो एक स्टाक होता है एक ब्लेड। अभी बात किया गया एक स्टाक होता है एक ब्लेड। तो ब्लेड कैसा होगा, मान लीजिए ये आपका, मैं यहाँ पे ब्लेड बना दिया। ठीक है दोस्तों, और ब्लेड के बीच में ये आपका झिर्री कटी होती है। ठीक है, ये आपका कुछ इस प्रकार का झिर्री कटी होती है। ये यहाँ से दूसरा ब्लेड बन गया दोस्तों। ठीक है, इसमें भी क्या है दोस्तों, एक झिर्री कटी रहेगी, और इस झिर्री के और इस झिर्री दोनों के बीच में एक नट या स्टॉक लगा के कस दिया जाता है। नट या स्टॉक लगाया जाता है, ठीक है, इसके बीच में। अब क्या है कि दोस्तों इसके बेवल गेज के बारे में आप पढ़ते हैं कि बेवल गेज ये कैसे काम करता है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर के समान होती है। ये कैसी होती है, ट्राई स्क्वायर के समान होती है, या कार्बन स्टील का ब्लेड होता है। इसका जो ये ब्लेड होता है दोस्तों, वो कार्बन स्टील का होता है। किसका होता है, कार्बन स्टील का होता है दोस्तों। ठीक है, इसके दोनों छोर के किनारों पर, दोनों छोर के किनारों पर इस किनारे का देखा जाए या इस किनारे का देखा जाए या इस किनारे का देखा जाए या इस किनारे का देखा जाए, तो कितना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री के कोण पर ये बने होते हैं। ठीक है, के कोण पर ये क्या होते हैं दोस्तों, बने होते हैं। ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री कोण पर बने होते हैं। धातु का स्टाक इसमें होता है तथा धातु का स्टाक होता है। जो स्टाक होता है दोस्तों, वह धातु का बना होता है। मतलब जैसे हाई कार्बन स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, कास्ट स्टील हो गया, ये सारे मटेरियल के क्या है, ये धातु होते हैं। तो धातु का ये बना होता है। ठीक है, परंतु इसका ब्लेड स्थिर नहीं होता। ये जो ब्लेड है दोस्तों, वह स्थिर नहीं होता है। ठीक है, आगे पीछे इधर उधर हम कहीं भी चला सकते हैं। इस ब्लेड में एक खांचा खींचा होता है, ये जो आपका झिर्री दिखाई दे रहा है, इस ब्लेड में क्या है दोस्तों, खांचा खींचा होता है, जिसकी सहायता से स्टाक के जीरो से यहाँ जो स्टाक आपका दिया था, जीरो से क्या है दोस्तों, 180, जीरो से 180 तक किसी भी कोण को झुकाया जा सकता है, किसी भी कोण को झुकाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो और इसके आगे पीछे खिसकाया जा सकता, और इसे क्या है, यहाँ से आगे और पीछे क्या करते हैं दोस्तों, खिसका सकते हैं, हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। स्टाक के नीचे लगे कसने वाले स्क्रू की सहायता से इसे किसी भी स्थान पर क्या करते हैं दोस्तों, स्थिर किया जा सकता है। तथा अस्पष्टता इसका 90 डिग्री को छोड़कर, क्या दोस्तों, 90 डिग्री को छोड़कर हम क्या करते हैं, कोई भी कोण इसके द्वारा बना सकते हैं अथवा नाप सकते हैं, कि बेवल गेज के द्वारा, अथवा बेवल गेज का दूसरा अगर बताया जाए तो इसे बेवल स्क्वायर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। बेवल स्क्वायर प्रयोग किया जा सकता है। अतः इसकी सहायता से विभिन्न माप या कोण तथा मापे जा सकते हैं। इसका कोण की दूसरी कोण, इस कोण से दूसरी कोण की तुलना की जा सकती है। ठीक है, इसके कोण से दूसरी कोण की तुलना की जा सकती है, इसे ये बेनिफिट होता है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले इसके द्वारा, तो 30 डिग्री से 45 डिग्री तथा 60 डिग्री के कोण पर ये क्या होते हैं, बने होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, बने होते हैं। इसके में ये यहाँ पे एक क्या होता है दोस्तों, स्टाक के नीचे लगे स्क्रू की सहायता से, ये स्टाक जो है ये आपका स्टाक है, और इसके नीचे एक लगे स्क्रू की सहायता से दोनों जुड़े होते हैं। और ये ब्लेड होता है, ये आगे पीछे कहीं भी खिसकाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये आगे पीछे कहीं भी खिसकाया जा सकता है। और बात किया जाए तो ये ट्राई स्क्वायर के समान होती है, और कार्बन स्टील का ब्लेड बना होता है। ये जो ब्लेड है वो कार्बन स्टील का बना होता है दोस्तों। कहीं भी इसे खिसकाया जा सकता है, 180 दाएं तथा 180 बाएं, या किसी भी कोण पर इसके हम सेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरे की तुलना, कोण के एक कोण की दूसरे कोण की तुलना हम अपने आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, दूसरा यूनिवर्सल और कॉम्बिनेशन बेवल गेज की बात कर देंगे। यूनिवर्सल और कॉम्बिनेशन बेवल गेज कैसा होता है, किस तरह से होता है, तो सबसे पहले इसका हम फिगर बना देते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल तथा कॉम्बिनेशन बेवल गेज की। तो यूनिवर्सल
कहता है कि इसका सुधरा हुआ रूप रहेगा दोस्तों। तो इसका सुधरा हुआ रूप रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम बेस बना लेते हैं। यहाँ पे ये लीजिए आपका ये बेस हो गया। यहाँ पे दूसरे के लिए एक स्क्रू लगा रहेगा, जो कि यहाँ से भी क्या होगा दोस्तों, एक ब्लेड ये ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से करके ऐसे एक ब्लेड निकल गया। यहाँ पे भी एक डिस्क लगी रही थी, ठीक है। और इसके बाद से इसमें भी क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ से एक ब्लेड ऐसे निकला रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा एक और ब्लेड आपका, और इसमें भी सलाडें कटी रहेंगी, और ये सलाडें इन दोनों के बीच में होकर ये स्क्रू रहेगा। ठीक है, इस तरह से ही रहेंगे। अब इसके बाद यह बाइबल का सुधरा हुआ रूप है, जिसमें एक स्थान पर दो ब्लेड, जिसमें क्या है दोस्तों, एक स्थान पर दो ब्लेड, ये एक ब्लेड हो गया, ये दूसरा ब्लेड हो गया। दो ब्लेड होते हैं, इन दोनों में ही खांचे कटे होते हैं। क्या खांचा आया दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है, खांचे कटे होते हैं, मुख्य ब्लेड के बीच में होता है, और तथा ये मुख्य ब्लेड के बीच में होता है। ये जो खांचा कटा है ये मुख्य ब्लेड के बीच में है। ठीक है, इसका निचला सिरा एक हिंज के द्वारा, ये है आपका एक हिंज के द्वारा निचला सिरा स्टाक से जुड़ा रहता है। एक हिंज के द्वारा स्टाक से क्या होता है दोस्तों, जुड़ा रहता है। ठीक है, हिंज के कारण इसे ब्लेड के को स्टाक के साथ कहीं भी किसी भी कोण पे क्या करते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, या स्थिर किया जा सकता है, इसको टाइट करके या कस के स्थिर किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका इस तरह से था। ठीक है, किया जा सकता है। मुख्य ब्लेड के एक ही खांचे में और एक हिंज की ओर इसे हिंज ज्वाइंट होता है, तथा मुख्य ब्लेड जो होता है, ये कह रहा है कि मतलब मुख्य ब्लेड एक के एक ही और खांचे में एक और हिंज जोड़ होता है। एक एक ही खांचे में दोस्तों एक और हिंज जोड़ होता है। ठीक है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ही खांचे में दो जोड़ मतलब हो सकते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा एक सहायता ब्लेड इसे जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा एक सहायता ब्लेड ये वाला जुड़ा रहता है दोस्तों। किसके द्वारा, इसके द्वारा एक सहायता ब्लेड ये जुड़ा रहता है। ठीक है, सहायता ब्लेड अपने खांचे के समानांतर दिशा में, अपने खांचे के समानांतर दिशा में आगे पीछे किया जा सकता है, और हिंज जोड़ की सहायता से मुख्य ब्लेड में खांचे, और हिंज जोड़ की सहायता से, ये हिंज जोड़ जो है इसकी सहायता से मुख्य ब्लेड की खांचे समानांतर दिशा में ऊपर नीचे, समानांतर दिशा में ये जो है ऊपर नीचे खिसकाया जा सकता है। स्मार्किंग टूल की सहायता से नियमित, स्मार्किंग टूल की सहायता से नियमित कई प्रकार की आकृति का उत्पादन की सतहों पर किसी भी परिणाम को कोण बनाए व मापे जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार के सतह रहेगी तो उसपे कोण या माप है उसका हम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी तुलना की जा सकती है। वेबल गेज तथा वेबल स्क्वायर के द्वारा बने कोण का मान ज्ञात करने के लिए, मार्किंग करने के लिए प्रोट्रैक्टर की सहायता ली जाती है। प्रोट्रैक्टर, ठीक है, प्रोट्रैक्टर की सहायता ली जाती है। और इसमें कई प्रकार के एंगल बनते हैं दोस्तों, कई प्रकार के, जैसे उसमें तीन तरह का होता था, लेकिन इसमें तीन ब्लेड होने के कारण दोस्तों कई तरह का ये एंगल बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल हम कहेंगे एक हिंज या स्टॉक पे ये जुड़ा होता है, एक हिंज तथा एक स्टॉक पे ये जुड़ा होता है, इसमें तीन ब्लेड होती है। लेकिन इसके पहले वाले में क्या कहेंगे दोस्तों, बाइबल गेज और यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन बाइबल गेज में डिफरेंट अगर आ जाए तो क्या कहेंगे दोस्तों, इसमें 30, 45, 60 हो जाएगा दोस्तों, और ट्राई स्क्वायर के समान दिखता है बिल्कुल सर, 0 से 180 हो जाएगा इसमें। ठीक है, लेकिन इसकी बात करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बोलेंगे हिंज के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, और इसमें दो जगह जगह इस पे क्या होता है, तीन तीन हो जाती है ब्लेड, एक स्टाक हो जाता है और दो ब्लेड हो जाती है, तो तीन पार्ट हो जाएगा दोस्तों, और इसमें एक स्टाक होता है और एक ही ब्लेड होता है। इस तरह से इसमें डिफरेंट बता सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं दोस्तों हम प्रोटेक्टर के बारे में। बाइबल प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, तो बाइबल प्रोटेक्टर के ये आपका बाइबल प्रोटेक्टर जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम चित्र के अनुसार से इसको बता देते हैं बाइबल प्रोटेक्टर कैसा होता है। ये रहा आपका दोस्तों बाइबल प्रोटेक्टर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो बाइबल प्रोटेक्टर है। बाइबल प्रोटेक्टर अगर कहा देखा जाए तो सिंपल है दोस्तों कि यह डी अंग्रेजी अक्षर के डी अक्षर, ये अंग्रेजी अक्षर के डी अक्षर, देखिए इस तरह का आप एक लाइन खींची और ऐसे बनाइए तो डी अक्षर के आकार का हो जा रहा है। ठीक है, यंत्र होता है जिस पर 0 से 180 दाएं, जिस पर दोस्तों क्या है, 0 से 180 दाएं, 0 से 180 दाएं तथा 0 से 180 बाएं। ठीक है, दाएं तथा बाएं, 0 से 180 दाएं तथा 0 से 180 बाएं दाएं, एक एक डिग्री की मार्किंग की होती है। एक एक डिग्री की क्या है दोस्तों, इस पे मार्किंग की होती है। ठीक है, तथा अक्ष बिंदु द्वारा एक ब्लेड कसा होता है, तथा यहाँ पे जो अक्ष दिखाई दे रहा है उस पे क्या होता है दोस्तों कि एक
यहाँ पे अक्षबिंदु के द्वारा एक ब्लेड कैसा होता है, ठीक है, एक अक्षबिंदु के द्वारा क्या होता है, एक ब्लेड कैसा होता है, ब्लेड मध्य रेखा के, ये ब्लेड है जो मध्य रेखा के ऊपरी सिरे पर एक निशान दिया रहता है, ऊपरी सिरे पर एक निशान दिया रहेगा दोस्तों, तो यदि निशान 90 डिग्री के निशान से मिले तो ब्लेड प्रोडक्टर के आधार पर समकोण पर है, ठीक है, ब्लेड प्रोडक्टर के आधार पर क्या है 90 डिग्री पर है। अगर देखा जाए तो इसके द्वारा 1 डिग्री में हम, अगर देखा जाए तो इसके द्वारा हम 1 डिग्री में, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 डिग्री में हम किसी कोण को माप या मार्क कर सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य हो जाएगा हमें ये प्रोडक्टर के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं, तो 0 से 180 दाएं तथा 180 बाएं इस पे क्या होती है कि 1 डिग्री की मार्किंग की हुई होती है, और 90 के निशान पे ये यहाँ से क्या करते हैं, इसको 90 के निशान पे ये मिले तो ब्लेड और प्रोटेक्टर का आधार को समकोण मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेन उद्देश्य इसका पर्पज की बात किया जाए तो सबसे बड़ा पर्पज यही हो जाएगा इसका, 1 डिग्री में हम किसी कोण माप या मार्क करने के लिए बेवल प्रोटेक्टर का हमें यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, कॉम्बिनेशन सेट पर। कॉम्बिनेशन सेट कैसा होता है दोस्तों, तो कॉम्बिनेशन सेट की बात करेंगे दोस्तों, तो कॉम्बिनेशन सेट हमारा ये रहा आपका कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट भी क्या होती है कि चार चार पार्टों से मिलके बना होता है, ये है चार पार्ट, ब्लेड हो जाएगा, स्क्वायर हेड हो जाएगा, प्रोटेक्टर हेड हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ये आपका कॉम्बिनेशन सेट का काम करेगी दोस्तों, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट इन सारे से मिलके बनता है एक कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन सेट को हम चित्र के द्वारा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों, तो चित्र से बेहतरीन समझ में आएगा। ये रहा दोस्तों आपका कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन सेट देखिए पार्ट के बारे में बताया, प्रोटेक्टर हेड हो गया, स्क्वायर हेड हो गया, तथा ये यहाँ पे सेंटर हेड हो गया, और ये आपका ब्लेड हो गया, चार पार्ट मैंने बताया था, और चार पार्ट से मिलके ये बना होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि कॉम्बिनेशन सेट होती क्या है, क्या जान लेंगे दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि कॉम्बिनेशन सेट होती क्या है। कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग अधिकतर किसी जाब के समकोण या अन्य कोण मापने, किसी जाब का समकोण, ठीक है, किसी जाप का समकोण तथा अन्य कोण मापने, मार्किंग करने, गोलाकार या स्क्वायर जाप का सेंटर या अक्ष का, सेंटर या अक्ष निकालने के लिए, ये अक्ष रेखा निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके पार्ट जो है वो चार पार्ट होते हैं, ठीक है, चार पार्टों से मिलके हमारा ये बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट की बात करेंगे तो सबसे पहला पार्ट ब्लेड से ही शुरू करते हैं दोस्तों। ब्लेड जो होता है, ये हमारा जो ब्लेड है वो कार्बन स्टील या एलाय स्टील का बना होता है, हार्ड एंड टेम्पर किया रहता है, कार्बन या एलाय स्टील का बना होता है, हार्ड एंड टेम्पर किया रहता है। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 25 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई 25 मिलीमीटर हो जाएगी, ये चौड़ाई जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसकी मोटाई की बात करेंगे तो 7 mm तक रहेगा, कितना, 7 मिमी, 7 मिलीमीटर, ये जो इसकी मोटाई है दोस्तों, थिकनेस, ठीक है। और लंबाई की बात करेंगे दोस्तों तो ये 150 से 200, 600, 150 से लेकर 600 mm तक होती है। यह भी रूल के भांति मीट्रिक तथा ब्रिटिश दोनों प्रणालियों में मिलते हैं, ये भी रूल के भांति मीट्रिक तथा ब्रिटिश दोनों प्रणालियों में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, दोनों प्रणालियों में मिलते हैं, ठीक है, दोनों प्रणालियों में मिलते हैं, ठीक है। इसके मध्य में पूरी लंबाई, इसके मध्य में पूरी लंबाई, ये जो बीच में देख रहे हैं आप, पूरी लंबाई में एक झिर्री कटी हुई है, ठीक है, झिर्री कटी होती है, इसे रिजिड रूल भी कहते हैं, इस झिर्री के कारण है, इसको क्या बोलेंगे, इसको रिजिड रूल भी कहेंगे, क्या है दोस्तों, क्या नाम रखेंगे इसका, रिजिड, ये नाम रखेंगे इसका, रिजिड रूल भी कहते हैं, जिसमें तीनों हेड्स को ड्रा बोल्ट व थंब द्वारा कहीं भी सेट कर सकते हैं, ड्रा बोल्ट या थंब के द्वारा। इसमें क्या है, बोल्ट जो लगा होता है वो ड्रा बोल्ट या थंब बोल्ट होता है, ठीक है, ड्रा बोल्ट या थंब के द्वारा कहीं भी हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं दोस्तों, स्क्वायर हेड, ये तो रहा आपका ब्लेड, ठीक है, ब्लेड रहा, सिंपल बताएंगे ब्लेड, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, कितना हो जाएगी दोस्तों, चौड़ाई की बात करेंगे तो 25 मिलीमीटर, मोटाई की बात करेंगे तो 7 हो जाएगा, लंबाई की बात करेंगे तो 150 से लेके 600 हो जाएगी, ठीक है। किसका बना होता है दोस्तों, तो हाई कार्बन का बना होता है, एलाय स्टील का बना होता है, हार्ड एंड टेम्पर होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है इतना, ठीक है। लंबाई में इसके झिर्री कटी होती है, ड्रा बोल्ट व थंब द्वारा इसको कहीं भी कस दिया जाता है, ठीक है, इतना ध्यान में रख रहा है। आगे टॉपिक में चलते हैं स्क्वायर हेड के, स्क्वायर हेड की बात करेंगे, इसके द्वारा दो समतल भुजाओं के बीच बने स्क्वायर हेड, इसके द्वारा दो समतल भुजाओं के बने 90 डिग्री
तथा 45 डिग्री, 90 डिग्री तथा 45 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री के कोणों को चेक या मार्क करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका, स्क्वायर हेड का। इसके अतिरिक्त किसी कोण, किसी सरफेस की फ्लैटलेस, इसके अतिरिक्त किसी सरफेस की फ्लैटलेस स्लॉट की गहराई वो मार्किंग व 45 डिग्री पर बने कोण वाले जाप तथा मार्किंग वाले जाप का साइज सेट करने के लिए हम स्क्वायर हेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हम स्क्वायर हेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नंबर तीन की बात करेंगे दोस्तों, अभी थोड़ा इसमें और जान लीजिए। साधारणतः यह कास्ट स्टील का बना होता है, यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, कास्ट स्टील का बना होता है और इसके छोटी साइज के साथ एक भुजा, इसकी छोटे साइज के साथ एक भुजा जो होती है वो 90 पर तथा दूसरी भुजा जो होती है ये वाला, ये यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, और ये यहाँ से हो जाएगा आपका 45 डिग्री। कौन सा, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है, बड़े होते हैं। छोटी साइज में एक ड्रा बोल्ट व नर्ल बोल्ट लगा होता है, छोटी साइज में ये यहाँ पे ड्रा बोल्ट या नर्ल बोल्ट लगा होता है जिसकी सहायता से ब्लेड को इसमें डालकर कसा जाता है, जिसकी सहायता से ब्लेड को इस ब्लेड पर डालकर इसमें कस लिया जाता है। इसके साथ एक स्क्राइबर भी लगा होता है, स्क्राइबर मतलब मार्किंग करने के लिए, ठीक है, लगा होता है। लंबी भुजा में स्प्रिट लेवल भी लगा होता है, लंबी भुजा में, यहाँ जो लंबी भुजा रहेगी वहाँ पे स्प्रिट लेवल भी लगा रहेगा कि मतलब कहाँ ऊंचाई है कहाँ निम्न है, ठीक है, जिसकी सहायता से किसी मशीन या जाब को लेवल किया जा सके। लेवल मतलब ऊंचा नीचा, जहाँ पे जांचना रहेगा वहाँ पे स्प्रिट लेवल का यूज हम कर लेते हैं, ठीक है, अभी बता देंगे स्प्रिट लेवल होता क्या है अगली वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे दोस्तों तो प्रोटेक्टर हेड जाएगा, तो प्रोटेक्टर हेड के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। यह भी कास्ट स्टील का है, क्या है दोस्तों, यह भी कास्ट स्टील का बना होता है, इसका एक गोल डिस्क लगी होती है, यहाँ देखिए एक गोल डिस्क लगी हुई है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यह डिस्क है दूसरी बाहरी वाली डिस्क में घूमती है, ये डिस्क जो लगी है दूसरी बाहरी वाले डिस्क में क्या होती है, घूमती है। बाहरी डिस्क पर दो स्क्रू लगे होते हैं, बाहरी डिस्क पे क्या है दोस्तों, दो स्क्रू लगे होते हैं, ये जो स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है बाहरी डिस्क पे दो स्क्रू, इसके द्वारा अंदर वाली डिस्क का ढीला या कस देते हैं, और इसके द्वारा अंदर वाली डिस्क जो होती है वो ढीला या कस लेते हैं। बाहरी डिस्क के मध्य में एक रेखा खींची होती है, बाहरी डिस्क के मध्य में क्या है दोस्तों, एक रेखा खींची होती है, ये छोटा छोटा जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कोण को सेट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो कोण को क्या है सेट करने के लिए, कितने कोण पर सेट करना है इसको। अंदर की डिस्क एक एक डिग्री के निशान लगे होता है, और अंदर का डिस्क में एक एक डिग्री के 0 से लेके 180 तक दाएं और बाएं अंकित कर सकते हैं। इसी डिस्क पर ब्लेड को ड्रा बोल्ट एवं नट द्वारा फिट किया जाता है। प्रोटेक्टर हेड के नीचे सरफेस समतल यह होती है, प्रोटेक्टर हेड के नीचे सरफेस समतल होता है, ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब तो आगे चलते हैं, प्रोटेक्टर हेड तथा ब्लेड के द्वारा, प्रोटेक्टर हेड तथा ब्लेड के द्वारा, ये प्रोटेक्टर हेड हो गया तथा ब्लेड के द्वारा किसी जाप पर कोण की मार्किंग व कोण पर बनी सरफेस की जांच कर सकते हैं। कोण पर बनी मार्किंग तथा कोण पर बनी सरफेस को जांच सकते हैं, ठीक है। अंदर वाली डिस्क है, यहाँ पे अंदर वाली डिस्क जो स्प्रिट लेवल लगा होता है, इसके अंदर वाली जो डिस्क है उस पर क्या होता है दोस्तों, स्प्रिट लेवल होता है, जिसकी सहायता से बिना ब्लेड में ब्लेड के भी एंगल पर कटी सरफेस प्लेट को एक ए चेक या सेट किया जा सकता है, ठीक है, चेक या सेट किया जा सकता है। अब सेंटर हेड की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो सेंटर हेड की बात करेंगे तो ये है सेंटर हेड दोस्तों, कास्ट स्टील का भी आकार का, कास्ट स्टील का देखिए भी आकार का है, ठीक है, होता है तथा अंदर का कोण जो होता है वह 90 डिग्री होता है। यहाँ के अंदर का कोण जो होगा वह अगर ऐसा है दोस्तों तो इसको सीधा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वह 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। इस कोण की कर्ण रेखा पर एक झिर्री कटी होती है, इस कोण के कर्ण रेखा पर क्या है बीच में वो झिर्री कटी होती है, ठीक है। आकृति के अनुसार ड्रा बोल्ट, इसकी आकृति के अनुसार क्या करते हैं, ये ड्रा बोल्ट द्वारा कहीं भी इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा गोल वर्गाकार जाप का सेंटर ज्ञात कर सकते हैं, इसके द्वारा क्या करते हैं गोल तथा वर्गाकार जाप का सेंटर इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके प्रिकॉशन के बारे में, तो सिंपल हो गया दोस्तों, समझ गए होंगे आप ये क्या क्या कर सकता है, किस तरह से होती है, तो स्टार्टिंग से एक बार फिर से रिवाइज मारते हैं इसको। तो ये क्या है कोण मापने का,
ये क्या है दोस्तों, कोण मापने का, और कोण मापने का अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है, इसे कॉम्बिनेशन सेट पूरा मिला के कहेंगे दोस्तों, ठीक है। गोलाकार मार्किंग करने के लिए, स्क्वायर जॉब का सेंटर अच को निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये चार टाइप में होता है, ब्लेड होता है, स्क्वायर हेड होता है, प्रोट्रेक्टर हो देता है, सेंटर हेड होता है। इसका ब्लेड जो होता है वह कार्बन स्टील या एलॉय स्टील का बना होता है। चौड़ाई जाने के, मोटाई जाने के आप लोग दोस्तों, ठीक है। रिजिड रूल भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। लंबाई में क्या होते हैं, झिर्री कटे होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसके बाद से आपका हो जाएगा स्क्वायर हेड। तो स्क्वायर हेड 90 डिग्री तथा 45 डिग्री, ये स्क्वायर हेड इसमें होता कौन है दोस्तों, ये वाला स्क्वायर हेड है, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिट लेवल लगा होता है, यहाँ इसका 45 डिग्री चेक करने के लिए होता है। तो 90 हो गया ये यहाँ से यहाँ तक, और ये इसके बीच में क्या हो गया दोस्तों, 45 डिग्री हो गया। अब बात करते हैं प्रोटेक्टर की, प्रोटेक्टर हेड की बात करेंगे तो गोल्ड डिस्क लगी होती है, ठीक है। तो दो स्क्रू के द्वारा इसको कस दिया जाता है, 18 बोल्ट के द्वारा इसको फिट कर दिया जाता है। ये भी 0 से 100 सीधा है तथा बाएं इस पे भी क्या होते हैं, निशान अंकित होती है दोस्तों, ठीक है। अब सेंटर हेड की बात किया जाए तो सेंटर हेड में क्या होता है दोस्तों, सेंटर हेड में जो होता है वह कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ड्रा बोल्ट के द्वारा कहीं भी इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों प्रिकॉशन की, सावधानियां की। तो प्रिकॉशन सावधानी की बात किया जाए तो इसमें देखेंगे दोस्तों, नंबर वन की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन सेट, सेट के किसी भाग पर चोट या गिरने से बचाना चाहता, अन्यथा इसकी परिशुद्धता में क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी, ठीक है। पहला नंबर तो ये हो जाएगा, प्रयोग करने से पूर्व और भली भांत क्या करना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। लोहे की धूल कण आदि इसमें कण नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर टू हो गया। नंबर थ्री की बात करेंगे दोस्तों तो ब्लेड को सेट के किसी भाग पर सेट करते समय अधिक कसें और ना ढीला रखना चाहिए, ना ही ढीला रखें ना ही कसना चाहिए, उससे क्या होता है ब्लेड को क्षति पहुंचती है, ब्लेड को क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों तो इसे किसी भी रफ है सरफेस पर प्रयोग ना करें, ठीक है। रफ सरफेस पर, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि थोड़ा ये परिशुद्धता वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं। काम करने के पश्चात साफ करने किसी भी ऊंची स्थान पर इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, आपको कैसे कैसे चेक करना है ये आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए सेंटर हेड है दोस्तों, तो सेंटर हेड का कैसा था, ऐसे था 90 डिग्री, और इसमें क्या था, ब्लेड था दोस्तों। तो क्या है, ये गोला जार जब आप इसमें रखेंगे तो आराम से 90 डिग्री का ये कोण चेक कर सकता है, मार्क कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बोल्ट था, ये यहाँ पे बोल्ट था, ठीक है दोस्तों। अगर दूसरे त्रिकोणे टाइप का बात करेंगे तो त्रिकोणे टाइप में ऐसे रहेगा, कोई भी जाप रहेगा तो इस प्रकार करेगा, ऐसे ही नाप ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क की बात करेंगे दोस्तों तो डिस्क की बात करेंगे तो कैसे बोलेगा, मान लीजिए कोई जाप हमारा ऐसे है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये जाप मान लीजिए ऐसे है हमारे पास, ठीक है। तो इसको अब चेक करना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, ये आपका स्केल हो जाएगा और ये आपका डिस्क हो जाएगी, और यहाँ से हम आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों, इसके डिस्क के अंदर एक बोल्ट लगा होता है, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, हम चेक कर सकते हैं, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन सेट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड लेवल वाला बात किया जाए तो दोस्तों वो कैसा रहेगा, तो मान लीजिए ये आपका जॉब है दोस्तों, ठीक है, ये आपका जॉब हो गया, ये आपका जॉब हो गया। अब इसमें क्या है कि प्रोडक्टर कॉम्बिनेशन सेट रखेंगे, और रखने के बाद से क्या है कि इसमें वो 45 वाला अगर माप लेना है, 90 वाला माप लेना है, तो इसमें आसानी से ऐसे ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोल्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे बोल्ट होता है, इस पर कसा रहेगा, और जो इसमें सलाड कटी रहेगी, इसे क्या करेंगे दोस्तों, आगे पीछे ऊपर नीचे करके हम इसको, इसके साइज को निकाल लेते हैं। बात करेंगे दोस्तों तो प्रोडक्टर हेड का प्रयोग क्यों करते हैं, प्रोडक्टर हेड का प्रयोग 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के एंगल को चेक वो मार्किंग करने के लिए हम किया जाता है, 0 से 360, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 0 से, इसी में मैंने बताया था आपको दोस्तों कि बैबल प्रोटेक्टर, बैबल प्रोटेक्टर की बात बताया था। तो इसके ये कॉम्बिनेशन सेट हो गया, और इसके पहले मैं बताया था बैबल प्रोटेक्टर। तो बैबल प्रोटेक्टर की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होता है, बैबल प्रोटेक्टर के द्वारा किसी कोण को 1 डिग्री की परिशुद्धता में मार्क या चेक कर सकते हैं। प्रोटेक्टर हेड के द्वारा कोण, किसी भी कोण को 1 डिग्री तक चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो सेंटर हेड में गोल वर्गाकार सेंटर मालूम किया जा सकता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट के रूल को रिजिट भी कहते हैं, ठीक है। बेबल गेज
एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है, ठीक है। बाइबल गेज जो होता है वो अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है, और इसके टॉपिक को मैंने बता दिया दोस्तों। अब इसमें कोई हमें लगता है कि इससे अधिक के सवाल नहीं पूछना चाहिए। अब आ जाइए आपका स्टेट एज की बात करेंगे दोस्तों। तो स्टेट एज होता कैसे है दोस्तों, तो मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार का उसका हम चित्र आपको बता दे रहे हैं दोस्तों पूरी बेहतरीन से, ठीक है। तो स्टेट एज को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ इस प्रकार का देखिए स्टेट एज होता है दोस्तों, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार का यहाँ से कर्व रहेगी और नीचे गया रहेगा, ये आएगा यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ से कर्व आके यहाँ पे मिला रहेगा, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार के प्लेटें रहेंगी और इसमें स्लॉट कटा रहेगा, ये पतला भाग रहेगा नीचे बिल्कुल ऐसे, ठीक है। पतला भाग रहेगा बिल्कुल इस प्रकार के, ठीक है। ये आपका बन जाएगा क्या दोस्तों, स्टेट एज, ठीक। तो स्टेट एज का प्रयोग तलों की समतलता, तमों की समतलता, स्ट्रेथनेस, ठीक है, स्ट्रेथनेस तथा सीधापन, तलों की समतलता तथा सीधापन जांचने के लिए किया जाता है। सीधी रेखाओं की मार्किंग करते समय भी, सीधी रेखाओं की मार्किंग करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये कास्ट आयरन, स्टील और कई आकार में बनाए जाते हैं। कास्ट आयरन, स्टील तथा ये कई आकार में बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक किनारे वाले बेवल एज है, त्रिकोण, चौरस, ब्रिज टाइप आदि। इसमें मतलब क्या है कि जो एक किनारा है इसका वो बेवल भी हो, बेवल एज भी है। जो ये किनारा है क्या है दोस्तों, बेवल एज है। त्रिकोण त्रिकोण की तरह ही है, और ब्रिज टाइप का तो पुल के टाइप की तरह है, इत्यादि ये इसमें होना है, ठीक है। तो स्ट्रेट एज का मतलब क्या हुआ, सीधी रेखा की मार्किंग करते समय इसका प्रयोग करना चाहिए। समतलता जांचते हैं इसे, सीधापन जांचते हैं इसे बस। और बेवल एज या त्रिकोण चौरस ब्रिज टाइप इसका क्या होता है, चित्र का आकार होता है, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट एज समतलता तथा सीधापन जांचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ये दो चीज ध्यान में रखना जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पिरिट लेवल। तो स्पिरिट लेवल क्या होता है दोस्तों, तो स्पिरिट लेवल की अगर बात किया जाए तो इसका सबसे पहले हम फिगर बना दे रहे हैं आपको, फिगर बना के समझा दे रहे हैं। ये आपका स्पिरिट लेवल है, ठीक है। मान लीजिए इसका प्रयोग आधार सतह तथा लंबवत सतह का 90 डिग्री जांच करने के लिए, आधार सतह तथा लंबवत सतह 90 डिग्री जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि परिशुद्धता के अनुसार कई कई प्रकार के होते हैं, या परिशुद्धता के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, कई बार एक लेवल में 2 या 3 लेवल होते हैं, कई बार एक लेवल में जैसे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया स्पिरिट लेवल, ठीक है, जो जांचता है 90 डिग्री, कई होते हैं या 3 होते हैं। जैसे सीधा में बात किया जाए तो 90 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक होती है। आकार के अनुसार भी ये कई प्रकार के होते हैं। इसकी बॉडी में शीशे की एक है वर्क, एक वक्र आकार की ट्यूब लगी होती है, या जो दिखाई दे रहा है वो शीशे का होता है और वक्र आकार की एक ट्यूब लगाता है। इसमें वायु का एक छोटा सा बुलबुला होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है वायु का छोटा सा क्या है दोस्तों, वो बुलबुला है एक प्रकार का, ठीक है। स्पिरिट लेवल की ट्यूब रेखाओं द्वारा अंकित होती है। स्पिरिट लेवल की क्या होता है दोस्तों, ट्यूब रेखा के द्वारा इस पे अंकित होती है, जिसका बुलबुला इनके मध्य में रहता है तो समतल माने जाते हैं। जैसे बीचों बीच में है यहाँ पे, वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा दोस्तों, समतल मानी जाती है। तथा जिस ओर बुलबुला जाता है उस तरफ को ऊंचा माना जाता है। जिस ओर बुलबुला, मान लीजिए इसमें लिक्विड भरा है तो इधर इधर ये लटक रहा है, तो ये बुलबुला कहाँ जाएगा, आगे तो जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो सिंपल दिमाग से सोचना है कि समतलता 90 डिग्री जांचने के लिए परिशुद्धता में तथा लेवल में 2 या 3 लेवल होते हैं, और इसके बाद किया जाए तो 90 डिग्री से 45 डिग्री यूज कर लेते हैं, ठीक है, वाले जगहों पे वक्र और ट्यूब। इसमें क्या होते हैं, शीशे के कर्व तथा वक्र ट्यूब लगी होती है, एक छोटा सा बुलबुला भी होता है, ठीक है। मध्य बुलबुला जो होता है वो मध्य बीच में रहता है,
और तो सतह मानी जाती है, ठीक है, उस तरफ को ऊंचा माना जाता है, मतलब जिधर को ये चला जाएगा उधर क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। जिधर ये मान लीजिए, हटाइए इसको, मान लीजिए ये आपका इस स्पिरिट लेवल के बीच का बुलबुला है, ठीक है, तो ये बुलबुला अगर मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गया तो ये ऊंचे, अगर ये बुलबुला यहाँ पहुंच गया तो ये ऊंचे, कैसे ये ऊंच नीच खाल हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें लिक्विड फॉर्म है, जब लिक्विड मान लीजिए इसे उठाएंगे हम, तो क्या है लिक्विड सारा इसका इधर कूलेंट लुब्रिकेंट जो भी है इधर आएगा ना, लेकिन तुम्हारा क्या है कि जैसे इधर आएगा, तो जैसे इधर आएगा लिक्विड, तो ये छोटा वाला गोला सीधे ऊपर भाग जाएगा, वह दिखाई दे देगा कि भैया यहाँ ऊंच है तो यहाँ नहीं है, ठीक है, क्लियर है ना। इसके चित्र की बात किया जाए दोस्तों, तो ये कई टाइप के चित्र में मिलते हैं, जैसे वर्गाकार में हो जाएगा दोस्तों, इसके बीच में क्या है कि स्पिरिट लेवल यहीं पे रखा रहेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ से भी बुलबुला निकाल सकते हैं, मान लीजिए कोई इस प्रकार का जगह है, ठीक है, तो इस पे स्पिरिट लेवल रख के क्या करते हैं दोस्तों, हम इसका समतलता 90 डिग्री सब चेक कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कई हॉरिजॉन्टल लाइन के है, तो वहाँ पे स्पिरिट लेवल रख के दोनों तरफ क्या करते थे इसका भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारे होते हैं स्पिरिट लेवल का चेक करने का तरीका, ठीक है दोस्तों। अगर बात किया जाए तो दोस्तों इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे दोस्तों, तो क्या होता है कि किसी कोण पर उसे भी प्रोटेक्टर हेड में लगे स्पिरिट लेवल द्वारा जांच सकते हैं। किसी कोण, किसी बड़ी सतह, जो कोई भी बड़ी सतह है जो किसी कोण पर है, उसे भी प्रोटेक्टर हेड में लगे स्पिरिट लेवल के द्वारा जांच सकते हैं। यह लंबी मशीनों की लेवलिंग करते समय, लंबा मशीन है दोस्तों, उसकी क्या करते हैं लेवलिंग करते हैं, ठीक है, करते समय लंबे स्ट्रेट एज के दोनों किनारों के नीचे पैरेलल ब्लॉक लगाकर स्ट्रेट एज एवं ये स्ट्रेट एज पर स्पिरिट लेवल को रखकर लेवलिंग कर ली जाती है, ठीक है। कह रहा है कि अगर स्ट्रेट एज दोनों क्या है कि किनारों के नीचे पैरेलल ब्लॉक लगाकर, नीचे किनारों के नीचे क्या है दोस्तों, पैरेलल ब्लॉक मैं पढ़ा चुका हूँ, पैरेलल ब्लॉक उसको आप वीडियो देख लीजिएगा, पैरेलल ब्लॉक लगाकर स्ट्रेट एज एवं स्पिरिट लेवल को रख कर क्या करते हैं हम दोस्तों, लेवलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्पिरिट लेवल का यूज हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में बोलेंगे दोस्तों, तो एक बार आपको स्टेट एज और स्पिरिट लेवल के बारे में बताएंगे, तो स्टेट जो होता है वो क्या है कि दोस्तों समतलता तथा सीधापन मापने के काम में लाया जाता है, ठीक है, कास्ट आयरन तथा स्टील के बने होते हैं, ये आपका स्टेट एज हो गया दोस्तों। स्पिरिट लेवल की बात करेंगे दोस्तों, तो ये क्या है, ये भी सतह तथा लंबवत सतह का आधार है, 90 डिग्री जांचने के लिए परिशुद्धता में इसका प्रयोग किया जाता है। 2 या 3 लेवल भी होते हैं, एक स्पिरिट लेवल में 2 या 3 लेवल होते हैं, 90 और 45 इत्यादि जैसे। और इसमें क्या है कि बॉडी में एक शीशे की एक वक्र आकार की ट्यूब लगी होती है, ठीक है, बॉडी में क्या है इसके शीशे की वक्र आकार की ट्यूब लगी होती है, और छोटा बुलबुला होता है, छोटा बुलबुला होता है तो भैया मतलब कहा जाता है छोटे बुलबुले के बारे में, तो स्पिरिट लेवल की ट्यूब रेखा के द्वारा अंकित करते हैं। जब बुलबुला इनके मध्य में होता है तो समतल सतह मानी जाती है, मतलब जब बुलबुला बीच में रहेगा तो समतल सतह मानी जाएगी, जब साइड साइड में रहेगा तो जिधर का साइड रहेगा उधर के साइड में बोल देंगे भैया दाएं नीचा है या बाएं नीचा है, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको दर्शा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें जहाँ तक आशा है दोस्तों, अब लगता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि बाइबल एंड यूनिवर्सल गेज में भी कुछ नहीं छोड़े हमने, और इसमें भी कॉम्बिनेशन सेट में भी हमने कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है, 4 टाइप के होते हैं जो भी, तो वो 4 टाइप इसमें दर्शा दिया गया है, उसके बाद प्रिकॉशन से बता दिया गया है, स्टेटेज भी बता दिया गया, आपका स्पिरिट लेवल भी बता दिया गया। तो हमें लगता है दोस्तों अब 4था लेसन समाप्त हुआ, जो छोटा रहेगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में उसको हम फिर से बता देंगे। नमस्कार दोस्तों।